स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। दिल्ली ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्रों की चाकू से गोदकर की हत्या, दोस्तों ने मिलकर दिया इस वारदात को अंजाम। नई दिल्ली में फिल्मी स्टाइल से दबोचा 38 मामलों का मास्टरमाइंड, महिलाओं के साथ करता था गंदा काम। नई दिल्ली बंदूक की नोक पर बदमाशों ने 40 लाख की लूट की, मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्रों की चाकू से मारकर हत्या कर दी, दोस्तों ने ही मिलकर दिया इस घटना को अंजाम। यह वारदात दिल्ली के अम्बेडकर नगर के मदनगिन इलाके में रहने वाला 15 साल का छात्र का भानु प्रताप रोज की तरह ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। छात्र 10वीं का बताया जा रहा है। करीब 7 बजे का वक्त था। भानु का सहपाठी आरोपी अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। दोस्तों ने मारपीट शुरू कर दी थी। जब छात्रा ने विरोध किया तो चाकू से मार डाला। पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली में फिल्मी स्टाइल से दबोचा 38 मामलों का मास्टरमाइंड, महिलाओं के साथ करता था गंदा काम। यह कीर्ति नगर थाने पुलिस कांस्टेबल ने हवा में बाइक उड़ाते हुए 2 बदमाशों को पकड़ा है। हालांकि इसमें 1 कांस्टेबल घायल हो गया। नई दिल्ली में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने की 40 लाख की लूट, मचा हड़कंप। यह वारदात नई दिल्ली के रंजीत नगर से दर्शाई जाती है, जहां बदमाशों ने 40 लाख रुपए लूट लिए। मिली जानकारी के मुताबिक मेट्रो हॉस्पिटल के पास बाइक बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कलेक्शन एजेंट से 40 लाख के भरे बैग को लूटा। बदमाशों ने कार पर गोलियां चलाई और पैसों का भरा बैग ले भागे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।